समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और MLC स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर फेंके गए जूता कांड को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, सपा सुप्रीमो ने इस कांड को लेकर अतीक अहमद हत्याकांड से भी जोड़ दिया, जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। दरअसल योगी सरकार को घेरते हुए सपा सुप्रीमो ने कहा कि कानून व्यवस्था में उनकी जीरो टॉलरेंस है, हम सब जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग सुरक्षित नहीं, कोई प्रेस में कोई आए और हम पर बम गिरा दे, अब तो प्रेस का कार्ड लेकर आते हैं, कल को कोई ऐसी घटना कर दे। BJP ये जानबूझकर कराई जा रही है ताकि महंगाई और बेरोजगारी पर बात न की जाए, जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये घटना दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अपने समाज के मुद्दों को उठाते हैं और बड़े नेता हैं। आपको बता दें कि मऊ कांड के बाद जूता कांड को लेकर अखिलेश यादव ने सीधे BJP पर सवाल खड़े कर दिए। सपा नेता ने दोनों मामलों में BJP कार्यकर्ताओं को आरोपी बताया। वहीं अखिलेश यादव का यह दावा आने के बाद से ही यूपी की सियासत में नया भूचाल आ गया है। गौरतलब है कि सोमवार को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को वकील की ड्रेस पहनकर आए युवक ने जूता फेंक कर मारा था। स्वामी प्रसाद सपा के पिछड़ा वर्ग के महासम्मेलन में शामिल होने के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे थे। कार से उतरकर वो अंदर जा रहे थे, तभी युवक ने जूते से उन पर हमला कर दिया। इस दौरान जूता स्वामी प्रसाद मौर्य को छूता हुआ दूर गिरा, जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और सियासत में नए विवाद को जन्म दे दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।